एक और ऑनलाइन गेम होता है लूडो। एक लड़की जो गेम खेलती थी इसी तरह जैसे सीमा खेलती थी, लूडो खेलकर यहां हिंदुस्तान में एक लड़के से प्यार हुआ, वो भारत आ गई। अगली उस लड़की की तस्वीर दिखा रहा हूं, अगली तस्वीर दिखाई, फुल स्क्रीन लीजिए। ये जो लड़की आप देख रहे हैं ये पाकिस्तानी है, ये लूडो खेलते हुए इसे भी प्यार हुआ एक हिंदुस्तानी से, ये भारत आ गई थी। लेकिन आपको बताऊं, भारत से इसे वापस जाना पड़ा पाकिस्तान। इसका नाम इकरा है। तो जिस तरह इकरा को पाकिस्तान वापस जाना पड़ा, क्या इसी तरह से, क्या ठीक इसी तरह से सीमा को भी वापस पाकिस्तान जाना होगा? इकरा के साथ क्या हुआ था, यह उदाहरण के साथ मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको समझ आएगा कि इकरा वाली स्थिति क्या सीमा के साथ भी होगी। देखिए, ये देख रहे हैं, इकरा पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ खड़ी है, अब वापस पाकिस्तान में। इधर भारत में सीमा और सचिन खड़े। पाकिस्तानी लड़की इकरा जीवानी भारत आ गई थी, लूडो पार्टनर से शादी करने के लिए भारत पहुंच गई थी। ऑनलाइन लूडो खेलते खेलते इकरा को प्यार हो गया। सितंबर 2022 में इकरा जीवानी अवैध तरीके से भारत आ गई, जैसे सीमा आई। इकरा भी नेपाल सीमा से होते हुए भारत में दाखिल हो गई थी। इकरा को उत्तर प्रदेश के मुलायम सिंह से प्यार हो गया था। 19 साल की इकरा अपना घर बार छोड़कर भारत आई थी, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैदराबाद की रहने वाली, यानी यह भी सिंध की थी जहां से सीमा है। 4 महीने बाद बेंगलुरु में अपने साथी मुलायम के साथ पकड़ी गई। 23 जनवरी 2023 को दोनों को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 19 फरवरी को युवती को वाघा सीमा पर पाक अधिकारियों ने सौंप दिया पाकिस्तान के अफसरों को। पुलिस ने लड़के के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज किया और फर्जीवाड़ा, छुप के शादी करना, फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल के मामले में केस दर्ज हुआ था।